नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गांव किठाना निवासी प्रदीप कुमार की 22 दिन तक FIR दर्ज न करने तथा विलंब करने के कारण ASI भागीरथ को निलंबित करने तथा जसुमा निवासी तरसेम की मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कलायत पुलिस थाना के SHO अनूप सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। श्री अनिल विज लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के एजेंडे में शामिल शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। बैठक में 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य 6 शेष शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इन शिकायतों को निपटाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जिला भर से आई हुई शिकायतें लेकर के पहुंचे सभी लोगों की शिकायतें सुनी तथा उपायुक्त को उन शिकायतों का यथाशीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए किठाना निवासी प्रदीप कुमार के गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला करने के संबंध में शिकायत की सुनवाई करते हुए FIR दर्ज करने में हुई देरी से जांच अधिकारी ASI भागीरथ को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में यह आदेश जारी किए हैं कि पुलिस द्वारा तुरंत FIR दर्ज की जाए, चाहे वह 0 FIR दर्ज ही करनी पड़े। पलपल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। मैं तो 14 आइटम में हमने डील किए हैं, कुछ में कोताही पाई गई है, उनमें कार्रवाई की गई है। सस्पेंड 2 आ रही है तो दर्ज कराऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। और किसके करी FIR हमने? हाँ, एक कॉलेज के खिलाफ। JDP ने क्या लेना इस बात से, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये हमारी अपनी पार्टी का मामला है। JDP को क्या लेना देना इस बात से, वो अपना संभाले। नहीं, अभी एक विचार आया है, अभी वो कोई प्रस्ताव आया नहीं है। आएगा प्रस्ताव तो उसके सारे पहलुओं पर विचार करके ही करेंगे। सुनो, 2000 वोटें नहीं आई लोकसभा में, बातें करते हैं नौकरियां देने की, इनकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत रहेगी बोलने की कुछ? सर, ऐसा SYLP के बोर्ड से बोल रहा है कि जो